अब आपको दिखाते हैं 13 जिले 13 खबरें। पौड़ी में नदी में फंसे दो लोगों को एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू, बारिश की वजह से बढ़ा था नदी का जलस्तर। मसूरी में कैंपटी फॉर मार्केट के पास भूस्खलन, मलबा गिरने से 3 दुकानें क्षतिग्रस्त। बागेश्वर में मौसम विभाग का रेड अलर्ट, सभी तहसीलों में तैनात की गई आपदा टीमों को अलर्ट पर रखा गया। देहरादून के सिंचाई विभाग के अधिकारी के दफ्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हंगामा, बिंदाल नदी के दोनों ओर पुश्ते के निर्माण की मांग। काशीपुर से तीर्थ स्थल द्रोणासागर का होगा विकास, 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के तहत किया जाएगा विकसित। गंगोत्री धाम में 55 दिनों के से जारी है तीर्थ पुरोहितों का धरना, देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ धरना। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में अवैध हथियारों के साथ 3 लोग गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 3 तमंचे और कारतूस बरामद। बुधवार के मंदिर में चोरी ने दूसरी बार यहां पर चोरी की वारदात को दिया गया चोरों ने अंजाम दिया, दान पेटी और मंदिर की घंटी पर हाथ साफ किया। रुड़की में चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की, हजारों रुपए की नकदी और सामान पर हाथ साफ किया। बड़कोट के बडियार इलाके में सड़क नहीं होने की वजह से परेशान है, सड़क मार्ग तक पहुंचने के लिए चलना पड़ता है 14 किलोमीटर पैदल से। हरिद्वार में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना, शहर में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। पंतनगर के वैज्ञानिकों ने किया भांग से कैंसर का इलाज करने का दावा, भांग की 7 प्रजातियों को मिलाकर तैयार की जा रही है खास प्रजाति। श्रीनगर में एनआईटी के स्थायी कैंपस के निर्माण के लिए हरी झंडी, रेशम फार्म में किया गया भूमि का चयन।